अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। बीते दिन हमने आपको बताया था कि देश में कोरोना वायरस के 28 कन्फर्म्ड केस सामने आए हैं। आज देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन संसद में बोल रहे थे, बताया कि आंकड़ा 29 का हो गया है। बाकी मंत्री जी को आप खुद सुन लीजिए। A recent positive case has also been reported in Delhi yesterday, having travel history from Italy and is stable. The ever increasing magnitude of this outbreak globally calls for a concerted effort by not only health but all sectors of the government. Honorable Prime Minister is personally monitoring the preparedness and response on a regular basis. Government of India has initiated a series of action to prevent entry of the disease and to contain it. इस बीच कई और राज्यों से संदिग्ध सामने आए हैं, जिसके चलते डर बढ़ा है। और इसी डर के चलते दिल्ली सरकार ने सारे प्राइमरी स्कूलों को 31 मार्च तक के लिए बंद करने का सर्कुलर जारी कर दिया है। दिल्ली के बाद बढ़ते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आर्थिक राजधानी की तैयारियों का जायजा बताया। इस बीच राजधानी दिल्ली में मास्क और सैनिटाइजर यानी कि हाथ की सफाई वाला द्रव्य, उसके लिए लोगों की मारामारी दिखी। बाजार से मास्क गायब हो रहे हैं, जो मिल रहे हैं वो ब्लैक मार्केट के दाम से भी ज़्यादा हैं। 20 रुपए की कीमत वाला मास्क 250 रुपए तक का मिल रहा है और सैनिटाइजर ईद का चांद हो गया है। मास्क वाली एक खबर बंगाल से भी आई वैसे, लेकिन राजनीति में लिपट कर यहाँ बीजेपी ने मास्क बांटना शुरू किया और ये अच्छी बात है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी अच्छा काम करती हैं तो पॉलिटिकल नफा नुकसान को ध्यान में रख के करती हैं, इसलिए बीजेपी ने जो मास्क बांटे उन पर लिखवा दिया सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन मोदी जी, यानी मोदी जी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाइए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, कई लोगों ने तारीफ की, कई लोगों ने ट्रोलिंग की। कई लोगों ने कहा कि बीजेपी ने मास्क बांटे हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री के नाम को जोड़ने का क्या मतलब। कई ने कहा कि क्या केंद्र सरकार सक्षम है। आप जानते हैं सोशल मीडिया पर सब तरह की बातें कही जाती हैं। फिर ये बात भी हुई कि ये मास्क N95 मास्क तो नहीं है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए N95 मास्क को सबसे ज़्यादा असरदार बताया जाता है। क्या है खासियत इस मास्क की कि कम से कम 3 परतें होनी चाहिए, आप भी इस बात को याद रखिएगा। बाकी लल्लन टॉप पर हम लगातार कोरोना वायरस को लेकर जो भी अवेयरनेस की जानी चाहिए, हाथ कैसे धोएं, सैनिटाइजर कैसे इस्तेमाल करें, घर में कैसे बनाएं, मास्क कैसा इस्तेमाल करें, बिना मास्क के भी हो तो कैसे चलें, इसको लेकर लगातार वीडियो कर रहे हैं। समय निकालकर वहां पर पहुंचिए, क्योंकि जान है तो जहान है और जान रहेगी। कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर लेकिन बहुत ज्ञान दिया जा रहा है, फेसबुक ट्विटर, इस पर लोग एक्सपर्ट के माफिक ज्ञान की बाल्टियाँ उड़ेल रहे हैं। और व्हाट्सएप तो है ही घर का वैद्य, मतलब एक आम हिंदुस्तानी का मोबाइल इस समय छोटा मोटा मोहल्ला क्लिनिक बन गया है। लेकिन इस क्लिनिक में सब बातें सही नहीं आ रही हैं, इसलिए हमने सोचा कि आज इसी पर मिथबस्टर करते हैं। अभी क्या क्या बातें आ रही हैं, कोई डॉक्टर विजय शंकर मिश्र हैं ऐसा व्हाट्सएप पढ़कर लगता है। उनका एक लंबा चौड़ा मैसेज व्हाट्सएप पर शेयर किया जा रहा है। इसमें दावा है कि यज्ञ में जावित्री की आहुति से कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। मैसेज में कहा गया कि प्लेग जैसी भयंकर महामारी से जब यूरोप में लाखों लोग मर रहे थे, तब भारत में जावित्री के यज्ञ में आहुति से प्लेग से बचाव हुआ। जो जावित्री नहीं जानते उनको हम बता दें, ये एक मसाला है। जावित्री जायफल के बीज के लाल छिलके को जावित्री कहते हैं। वायरल मैसेज में जावित्री की खूबियाँ पढ़कर आपको अच्छा लगेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से जावित्री का हिमायती हूँ भोजन के लिए, क्योंकि ये एक मसाला है। यज्ञ हमारी प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। लेकिन ये जो प्लेग वाली बात है ये सत्य नहीं है। जब भी हमने ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ा है तो पढ़ा है कि पुणे समेत कितनी जगह पे प्लेग का प्रकोप फैला और कैसे हजारों लाखों लोग उसके चलते मरे। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक लोगों की मान्यता से जुड़ी है, एक बीमारी से जुड़ी है। इनको जोड़ना दुरुस्त नहीं है। ना मैसेज भेजने वाले का अता पता और ना मान्य डॉक्टरों के पास इसका कोई प्रमाण, और इसलिए उन्होंने इसको सही नहीं बताया। इसके अलावा फेसबुक पर एक तस्वीर शेयर की जा रही है। इसमें क्या लिखा है, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की, 1 फूल जावित्री का, इन सब की कपड़े की पुड़िया बनाएं और हमेशा अपने पास रखें। कोरोना तो क्या कोई वायरस आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हो सके तो 5 लोगों को सेंड करें। हमने खोजा तो फिर नज़र आया किसी डॉक्टर ने, किसी संस्थान ने ये उपाय नहीं सुझाया है। लौंग इलायची पसंद है चाय में डालिए, और पसंद है गाना सुनिए, लेकिन
वायरस को इतने हल्के में मत लीजिए। इन सब के बीच एक विकट वायरल है। क्या है ये चीज वायरल? आर्सेनिकम एल्बम 30 नाम की दवा की एक शीशी। इसके साथ मैसेज वायरल है कि आयुष मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए इस दवा का सेवन करने की बात कही है। इसके चक्कर में कल राजस्थान विधानसभा में झगड़ा हो गया। पीठ पर भाजपा के विधायक बैठे थे, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को टोक दिया और फिर मुखामुखम शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने गलत बात फैला दी। आयुष मंत्रालय की 29 जनवरी को एक एडवाइजरी जारी हुई थी जिसमें इस दवा का नाम बताया गया था। फैक्ट चेक करती एक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज, उसने खोजा तो कहीं कोई स्टडी नहीं मिली जिसमें कोरोना वायरस और आर्सेनिकम एल्बम 30 का नाता हो, बल्कि कोरोना वायरस और किसी भी होम्योपैथी वाली दवा का रिश्ता बताने वाली कोई स्टडी नहीं मिली। फैक्ट चेकर्स पर आजकल संदेह किया जाता है, इसलिए हमारी मत सुनिए अगर नहीं सुननी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो खुद डॉक्टर हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, उनकी 4 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। उसमें उन्होंने खुद कहा है कि अभी तक कोरोना वायरस का कोई टीका, कोई दवा नहीं बनी है। बाकी वो बातें तो हैं ही कि हमें साल भर अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत रखना चाहिए और उसके लिए दवा, तुलसी, वो आसन, जो कुछ भी करना है वो करना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक और मैसेज क्या मिला? हर साल फार्मा कंपनियां ऐसे वायरस खुद बनाती हैं और लोगों को मरवाती हैं और फिर मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाती हैं। इसके लिए वैक्सीनेशन या दवाओं का बड़ा बाजार मंदी के दौर में भी एकदम से खुल जाता है। दवा कंपनियों की इस वाली साजिश से बचने का अचूक उपाय मैसेज में ही बताया गया है। क्या है ये उपाय? इसके लिए गौमूत्र अर्क या उत्तम ताज़ा गौमूत्र या हल्दी का सेवन करते रहेंगे तो वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गौमूत्र का सेवन वायरस से बचाएगा। इस वाली सलाह पर हमें कुछ नहीं कहना, कहेंगे तो कई लोग बुरा मान जाते हैं। गौमूत्र को लेकर आयुर्वेद की अपनी एक सोच है, बहुत सारी दवाओं में इस्तेमाल होता होगा, लेकिन कोरोना वायरस का इससे बचाव होगा ये कहीं पुष्ट नहीं होता है। आयुर्वेद वाले भी कहते हैं कि जो गौमूत्र है वो बिना फिल्टर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और आयुर्वेद में जहाँ ये इस्तेमाल होता भी है वो बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होता है। एक मैसेज और वायरल हो रहा है, गिलोय के तने को चबाते हुए रस निकल लें, तुलसी की पत्तियों को पीसकर शहद, शुद्ध शहद में मिला लें, इसके बाद कोरोना वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बात सत्य नहीं है। तुलसी को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सत्य है। यही बात गिलोय पर भी लागू होती है, लेकिन ये कोरोना की दवा नहीं है। हम एक बार फिर आपको बता दें, कोरोना वायरस की दवा अभी तक नहीं बनी है। बातें ये भी चल रही कि नॉनवेज खाने से वायरस फैल सकता है। इस दावे पर हम आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहे हैं कि एक्सपर्ट्स का अभी तक ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है। मांस को अच्छी तरह से पकाकर खाया जा सकता है, उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन वही खाएं जो खाते हैं। जो नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, उनके लिए पालक जिंदाबाद। आज के ललन टॉप शो में इतना ही।